खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। कहते हैं चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से ना जाए, और ये कहावत एकदम पाकिस्तान पर फिट बैठती है। कंगाली की कगार पर खड़ा है लेकिन अपनी आतंकी गतिविधियों से बाज नहीं आ रहा है। 370 कश्मीर से हटाने के बाद पूरी कोशिश हो रही है, कहीं घड़ियाली आंसू बहाए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ आतंकी भेजकर हिंदुस्तान को परेशान करने की साजिश रची जा रही है। खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान की साजिश का पर्दाफाश किया है और खबर ये मिल रही है कि लश्कर और जैश के आतंकी हिंदुस्तान में एंटर कर चुके हैं और एक बड़ी आतंकवादी घटना की फिराक में भटक रहे हैं। जी मार्केट में हर चीज की फैसिलिटी दी हुई है मार्केट में जी, एक एक आदमी चेक कर रहे हैं जी, हम कोई कस्टमर था सबको चेक कर रहे हैं जी। चेकिंग के लिए हमेशा दिन भर में 2-3 चक्कर हमेशा लगते रहते हैं। तमाम जो हमारे एंटी टेररिस्ट मेजर्स वो हमने लिए हुए, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है और तमाम जो हमारे पास इनपुट है उस पर हम काम। दिल्ली में आखिर ये चेकिंग क्यों हो रही है? पुलिस की स्पेशल सेल छापेमारी क्यों कर रही है? आखिर वो कौन है जिन्हें दिल्ली पुलिस और खुफिया विभाग के लोग तलाश रहे हैं? इन सारे सवालों का जवाब है ये दो तस्वीरें। ये आतंकवादी हैं अकरम कुरैशी और सज्जाद भट्ट, ये दोनों लश्कर ए तैयबा के सीनियर कमांडर हैं। अंदेशा है कि लश्कर के ये दोनों आतंकी दिल्ली को दहलाने के लिए दाखिल हो चुके हैं। मुमकिन है कि इनके साथ जैश के कुछ और आतंकी हों। यही कारण है कि दिल्ली के चप्पे चप्पे में तलाशी जारी है। दिल्ली में 3 से 4 जैश के आतंकियों के घुसने का अलर्ट जारी है। ऐसे में जो दिल्ली पुलिस है वो आप देख सकते हैं मौके पर मौजूद है। दिल्ली के सीपी में इस वक्त हम मौजूद हैं और जो पालिका बाजार है वहां पर डॉग स्क्वाड के जरिए चेकिंग की जा रही है। हर एक पॉलिथीन, हर एक जगह को, हर एक दुकान को बेहद सावधानी के साथ चेक करवाया जा रहा है और जगह जगह जाकर जो दिल्ली पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम है वो इस वक्त बड़ी ही पैनी नजर रख रही है मौके पर। और क्योंकि जैश के 3 से 4 आतंकी घुसने का अलर्ट है, ऐसे में कोई भी अप्रिय घटना ना हो इसके लिए पूरी तरह से दिल्ली पुलिस जो है वो तैयार है। शक है कि आतंकी भीड़ वाले इलाकों को निशाना बना सकते हैं। एजेंसी से ये भी इनपुट है कि जो आतंकी हैं वो फिदायन हमला कर सकते हैं या फिर विस्फोटक भरकर किसी गाड़ी या बस में किसी भी भीड़ भाड़ वाले इलाकों के अंदर घुसा सकते हैं। इस तरह का इनपुट मिलने के बाद अब जो दिल्ली पुलिस है अलर्ट पर है। त्योहारों का भी मौसम है, आर्टिकल 370 हटने के बाद से ही लगातार पाकिस्तान की तरफ से भी किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है और यही वजह है कि अब पुलिस हाई अलर्ट पर है दिल्ली के अंदर। सवाल यह है कि चाक चौबंद सुरक्षा के बावजूद ये आतंकी दिल्ली में दाखिल कैसे हुए और इन आतंकियों तक हथियार कैसे पहुंचे? इस सवाल के जवाब की तलाश में आपको दिल्ली से जम्मू चलना होगा। मंगलवार को सुरक्षा बलों ने जम्मू बस स्टैंड से 15 किलो विस्फोटक जब्त किया था। कठुआ के बिलावर में एक महिला ने बस में विस्फोटक रखवाया था जिसकी डिलीवरी जम्मू के बड़ी ब्रह्मणा इलाके में होनी थी। इस मामले को लेकर जम्मू से लेकर बिलावर तक कई महिला OGWs भी पुलिस के निशाने पर हैं। सूत्रों की माने तो ये बैग उस बस के ड्राइवर को एक महिला ने दिया था और उसे ये कहा था कि इस बैग में आटा है जिसे उसे जम्मू में एक शख्स को पकड़ाना है। लेकिन जैसे ही सुरक्षा एजेंसियों ने इस बैग की छानबीन की तो इस बैग में बारूद मिला। साथ में ही इस बैग में कुछ पॉलिथीन बैग्स थे जिनमें शीशा और लोहे के टुकड़े थे। सूत्रों की माने तो ये सारी सामग्री बम बनाने के लिए आतंकियों ने इस्तेमाल करनी थी। फारूक नाम का एक शख्स इस विस्फोटक को लेने के लिए आने वाला था जिसे सुरक्षा एजेंसियों ने हिरासत में ले लिया है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या दिल्ली पहुंचे आतंकियों की मदद के पीछे भी महिलाएं हैं?
क्या आतंकियों की मदद महिला ओवरग्राउंड वर्कर्स ने की है? क्या इसी तरह से हथियार और बारूद दिल्ली पहुंचाया गया? खुफिया एजेंसियों की इस रिपोर्ट को देखें तो ऐसा मुमकिन लगता है। 2 अक्टूबर को तैयार की गई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जैश ए मोहम्मद के कमांडर अबू उस्मान ने कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकियों की एक बैठक ली थी, जिसमें उसने कहा था कि जल्द ही जम्मू और दिल्ली में बड़े हमले होंगे। हमारे भाई वहां पहुंच चुके हैं। खुफिया एजेंसी के एक आला अधिकारी ने बताया कि ISI की कोशिश है कि एक साथ कुछ जगहों पर हमले हों, लिहाजा उसने रची है सीमा से लेकर दिल्ली तक हमले की योजना। उसे यह भी मालूम है कि इस दौरान अनेकों आतंकी मारे जाएंगे, लिहाजा ज्यादा आतंकी भेजने की नियत से POK में 2 नए आतंकी लॉन्च पैड भी खोले गए हैं। पहला लॉन्च पैड कारी जुबैर मंधेर बटालियन के पीछे बिम्बरगली सेक्टर में है, जिसमें 50 आतंकी मौजूद हैं, और दूसरा लॉन्च पैड बिम्बरगली के मटरियान के पास है, जिसमें इस वक्त 30 आतंकी हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक POK के जूरा लॉन्च पैड पर पिछले 4 दिनों से 8 आतंकी मौजूद हैं। ये आतंकी डेरा डोरी, गली गली, हेमा पोस्ट, आलूटाक, बोडना बल, जुनरिसी और केरन के रास्ते कुपवाड़ा आने की फिराक में है। फिलहाल पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी डाल तो भारतीय खुफिया एजेंसी पात पात की तर्ज पर चल रही है, और इन दोनों के बीच भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की कोशिश है कि पाक की कोई भी नापाक साजिश कामयाब ना होने पाए। यही कारण है एयरपोर्टों से लेकर मार्केट तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। देखिए, कश्मीर में जो जंग हमने जीती है 370 को हटाकर, अखंड भारत का वो सपना पूरा कर, ये पाकिस्तान को परेशान कर रहा है। इतना परेशान कर रहा है कि वो अपनी परेशानियां भूलकर किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान को जख्म देने पर आमादा है। 2 महीने सबसे महत्वपूर्ण थे। आप जानते हैं कि हमारे सुरक्षा बलों ने और हमारे खुफिया तंत्र ने बहुत मजबूती के साथ पाकिस्तान की नापाक साजिश को नाकाम किया, लेकिन ये महीना भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, आप जानते हैं नवरात्र चल रहे हैं, फिर उसके बाद दिवाली की चहल पहल शुरू हो जाएगी। ऐसे में हमें बहुत बहुत सतर्क रहना होगा। मास्टर स्ट्रोक हिंदुस्तान के लिए है, और वो यही है कि आतंक का हम नाम मिटाएंगे, हर साजिश को नाकाम कर जाएंगे।